इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इन श्लोकों से हमें क्या सीख मिलती है, यह हम आखिरी में सुनेंगे। चलिए अब हम पहले श्लोक और उसके हिंदी अर्थ से आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय, श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत कालों तक रहने वाली अपकीर्ति की बातें करेंगे, और एक पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा खराब है। द्वितीय अध्याय, श्लोक 35। भयाद्रणादुप्रतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, बड़े बड़े महारथी सोचेंगे कि तुमने डर के मारे लड़ना बंद कर दिया है, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। द्वितीय अध्याय, श्लोक 36। अवाचिवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुहतरम नुकिम। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, आपके अनुयायी अनेक अकथनीय शब्द बोलेंगे, आपकी शक्ति को दोष देने से अधिक कष्टदायक और क्या हो सकता है। अभी हम इन सभी श्लोकों को अच्छे से समझते हैं। अगर अर्जुन मोह माया में पड़कर अपने क्षत्रिय धर्म से भागता है, तो लोगों को लगेगा कि अर्जुन युद्ध में मरने के डर से भाग गया, और इस बात की ही चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। अर्जुन एक सम्मानीय योद्धा होकर इस तरह डर के भाग जाने पर अर्जुन के अनुयायी उसकी निंदा करेंगे। अर्जुन जहां भी जाएगा, सारा जीवन उसे यह अपकीर्ति के कथनों का सामना करना पड़ेगा, और एक सम्मानीय योद्धा के लिए यह निंदा मरने से भी बढ़कर होता है। अर्जुन अपने मन की भावना में ऐसे डूब गया था जिससे यह बात अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन से यह वचन कहना पड़ा, ताकि युद्ध से हटने के विचार को अर्जुन त्याग सके। इन वचनों से हमें क्या सीख मिलती है? एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका मान सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए इंसान ने अपना कर्तव्य कर्म होशपूर्वक करना चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति हमारे बारे में कुशब्द बोल न पाए, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति को ही इस समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और लोग उसी व्यक्ति को याद रख पाते हैं जिसने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने में बिताया हो। अपने कर्तव्य कर्म से कभी भागे नहीं, जिससे लोगों को हमारे बारे में कुशब्द बोलने का मौका मिले। एक सम्मानित व्यक्ति ही अपने जीवन में सर उठाकर असल आनंद के साथ जीवन जी पाता है, वरना तो कुछ लोगों का जीवन डर और लज्जा के मारे अपना मुंह छिपाते ही निकल जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कर्तव्य कर्म ऐसा करे जिससे पीठ पीछे या आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे। जीवन का मतलब है जिंदगी, जो हम पूरे आयु में जीते हैं। हर एक इंसान का जीवन एक कहानी है, और यह कहानी हर एक इंसान की अलग अलग होती है। इंसान अपने जिंदगी को अपने जीवन में अलग अलग तरीके से जीता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जीवन को जी पाते हैं। ज्यादातर लोगों का समय जिंदगी में जीवन से भागते भागते ही समाप्त हो जाता है। जीवन को जीने का असली मतलब है हर पल को जीना, और आज दुनिया में लोग यही भूलते जा रहे हैं। जीवन को जीने के लिए होश का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हमेशा होश को बरकरार रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। एकमात्र होश से ही आप कोई भी परिस्थिति में अपना निर्णय बिना चुके ले सकते हैं। चलिए आज यहां तक ही, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।